नमस्कार, एलएम स्किल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूँ एमडी मुन्ना और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे रेज्यूमे बना सकते हैं, वो भी फ्री में। आपको इस वेबसाइट पर बिल्कुल भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना लॉगिन करना है, जो कि आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, और आप फ्री में रेज्यूमे बना सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप उसको प्रिंट कर सकें। तो ये वेबसाइट है novoresume.com, जिस पर आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप कैसे इसको बनाएंगे। तो आज का जो टाइम है, जहाँ पे नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और नौकरियाँ उसके हिसाब से कम हैं, तो आपका जो रेज्यूमे होता है उसे आप सबसे पहले भेजते हो कंपनी में। कंपनी वाले जो है उसको देखते हैं, उनको अगर पसंद आता है तो ही वो आपको कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको कॉल नहीं आएगा। तो इसलिए जो है, आप इस तरह की जो वेबसाइट है ऑनलाइन, यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, डिज़ाइन मिल जाएंगे, जो आप देख सकते हैं रेज्यूमे टेम्पलेट्स के अंदर। इसमें आपको मैं ओपन करके बताता हूँ कि किस तरह के डिज़ाइन से बहुत सारे। तो आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन दिए हुए हैं, तो आपका टाइम इससे बच जाएगा। आप इसको यूज़ करके अपना खुद का रिज्यूमे बनाएंगे और आपका बहुत टाइम बचेगा और अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा जब आप एक कंपनी में आप इस रिज्यूमे को देंगे। तो इसको कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वेबसाइट पे आना है novoresume.com पर। उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का बटन दिया हुआ है, आपको इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करेंगे तो आप इसी रेज्यूमे का जो टेम्पलेट है, मैंने अभी आपको दिखाया, आप इसी पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ सेक्शन दिया हुआ है कि आपको रेज्यूमे बनाना है या सीवी बनाना है। सीवी जो है, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है। आपको कवर लेटर बनाना है आपको, तो आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें रेज्यूमे बनाना है अभी, तो हम देखते हैं कि रेज्यूमे बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। मान लीजिए जो पहला वाला जो टेम्पलेट दिया हुआ है, इसी को चेक लेते हैं। यहाँ पर देखिए, क्रिएट माई रेज्यूमे का बटन दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद जो है, ये इस तरह का पूछेगा कि हाँ आपको लॉगिन करना है। तो अभी हमने रजिस्टर नहीं किया है, लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। और आज के टाइम में गूगल का अकाउंट सभी के पास है, तो क्यों अलग से कोई अकाउंट बनाएं, हम अपने गूगल को ही यूज़ करें लॉगिन करने के लिए। तो गूगल पे क्लिक करते हैं। मेरा ऑलरेडी जीमेल अकाउंट लॉगिन है, गूगल अकाउंट लॉगिन है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है अलग से पासवर्ड देने की। सीधा मेरा यहाँ पे आईडी आ गया, इसको क्लिक करूँगा और ये जो है लॉगिन हो जाएगा। तो अगर आपको आपका जीमेल अकाउंट अगर लॉगिन नहीं होगा तो ये आपसे उसका पासवर्ड भी पूछेगा, तो उसको प्लीज़ पासवर्ड दीजिएगा और आगे लॉगिन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि किस तरह का एक्सपीरियंस है हमारा। स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं और कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। अगर 5 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप सीनियर पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है या नहीं है, या फिर आप फ्रीलांसर हैं, मतलब आप किसी कंपनी में डायरेक्ट काम नहीं करना चाहते, आप घर बैठ के अपने फ्री टाइम में वर्क करना चाहते हैं, तो आप फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं इंटरमीडिएट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई ऑफ़र वगैरह या आपको ईमेल पे दे या ना दे, तो इसको मे बी लेटर कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं हमें कोई भी किसी ऑफ़र की। यहाँ पर देखिए, इसने मेरे जीमेल अकाउंट से जो है मेरा थोड़ा सा डिटेल खुद ही ले लिया कि मेरा नाम जो है एमडी मुन्ना है और मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन हो गई है ऑटोमेटिक, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे यहाँ पे भरने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी बने हुए हैं। वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस चूज़ किया था, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजेशन, किस किस कंपनीज में वर्क किया है मैंने, सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट मैंने गेन किया है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस तरह की सर्टिफिकेशंस होती हैं इंटरनेशनल्स। पर्सनल प्रोजेक्ट, अगर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क किया है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एडुकेशन, मेरी पढ़ाई क्या है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्किल्स, मुझे जो भी अपनी काबिलियत बतानी है रेज्यूमे के ज़रिए वो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। लैंग्वेज, कितनी भाषाएं मुझे आती हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट, मेरा किस तरह का हॉबी है, पसंद है नापसंद है, वो सब हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
तो अब डिटेल यहाँ पे भरना कैसे है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ोटो का ऑप्शन दिया है, तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन दे रहा है। फ़ोटो आपकी मर्ज़ी है, आपको ऐड करना है तो आप ऐड कीजिए, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पे रिमूव का ये बटन दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करेंगे इस तरह से जो है फ़ोटो हट जाएगी। अब यहाँ पे है सिर्फ मेरा नाम, प्रोफेशनल टाइटल, तो टाइटल में यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैं अभी कंप्यूटर टीचर हूँ, तो कंप्यूटर टीचर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। शॉर्ट एंड इंगेजिंग पिच अबाउट योर सेल्फ, खुद से रिलेटेड आप अपने बारे में जो बताना चाहते हैं एम्प्लॉयर को, ताकि जब वो आपका रिज्यूमे देखे तो उसको दो तीन लाइन में जो है आपके बारे में समझ में आ जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। तो मैं इसे फ़िलहाल हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ टाइटल दिया हुआ है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, तो अभी फ़िलहाल मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कौन सी कंपनी में वर्क करते हैं, तो अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपका कंपनी नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पालिका ये यहाँ मेंशन कर दिया, एक्सपीरियंस का आपको बताना है अगर कि हाँ कब से आप कब तक काम कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितना इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सारा कुछ भरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहा हूँ, मेंशन कर देता हूँ, और कब से कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 7/2019 से कर रहा हूँ। एकम्प्लिशमेंट और टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मेरी जिम्मेदारियाँ हैं यहाँ पे एज अ कंप्यूटर टीचर, वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं फ़िलहाल ज़्यादा डिटेल नहीं भर रहा वरना टाइम बहुत लग जाएगा, तो मैं आपको जैसे ऐसे दिखा रहा हूँ कि हाँ रेज्यूमे यहाँ पे बना के इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। यहाँ पे स्किल्स पे अगर देखें तो स्किल्स पे यहाँ पे क्लिक करते ही ये पूछ रहा है, यहाँ पे टाइप किया और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये एक नेक्स्ट बटन जैसा आ गया है, आप यहाँ पे नेक्स्ट स्किल भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी स्किल भर दी, काउंसलिंग और रिपोर्टिंग, लैंग्वेज में भर देते हैं थोड़ा कुछ, इंग्लिश, हिंदी, दो ही है। अगर कुछ एडिशनल बटन आ गए हैं, ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तो आप उसको सिंपली क्लिक करके ऐसे डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट कुछ डालना है, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग, फाइन। तो इसी तरह से आप समझ गए हैं कि आपको किस तरह से डिटेल्स भरते जाने हैं। आप देखिए अगर एक कंपनी है, एक से ज़्यादा कंपनी आपको भरनी है, तो आप ऐड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो अलग से और भी ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ एक कंपनी का एक्सपीरियंस दिया है, अगर मुझे एक और कंपनी का एक्सपीरियंस देना हो, मान लीजिए मैंने इससे पहले किसी कंपनी में वर्क किया है, मुझे उसका भी एक्सपीरियंस ऐड करना है, तो सीधा ऐड जॉब पे क्लिक करेंगे, एक और ऑप्शन आ जाएगा टाइटल, वर्क प्लेस, कंपनी वगैरह सारा डिटेल भरने के लिए। तो इस तरह से जो है जो भी डिटेल भरना है वो यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पे देखिए थीम कुछ दिया हुआ है, आप चाहे तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं, ये अलग अलग कलर है जो यहाँ पे सेट कर सकते हैं हम। लेआउट का ऑप्शन भी दिया है, किस तरह से जो है आपको रेज्यूमे का डिज़ाइन चाहिए, इस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए, या इस तरह से चाहिए, आपको जो पसंद है आप उसको सेलेक्ट करके आप पिक मी करेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस लेवल, आपको किस तरह का रिज्यूमे बनाना है उस बेस पर। टेम्पलेट्स आप चेंज करना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करके आपको जो टेम्पलेट चाहिए आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सारा कुछ हो जाने के बाद, सारे डिटेल्स जब आप जब एक बार भर लें, उसके बाद देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद जो है ये आपका जो भी डिटेल आपने भरा उसको सेव करेगा पहले। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई और ये PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड होने के बाद जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो जो है ये PDF में खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितनी डिटेल दी थी उसके अकॉर्डिंग जो है मेरा रेज्यूमे क्रिएट हो गया है। मैं इसको चाहो तो प्रिंट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको मेल कर सकता हूँ, या अपने कंप्यूटर में सेव कर सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो आपने देखा कि कितना ईजी है नोवो रेज्यूमे की हेल्प से खुद का रेज्यूमे क्रिएट करना ऑनलाइन, और वो भी फ्री। आप मुझे इसमें बिल्कुल भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ
सीधा मुझे अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ा और अपने डिटेल्स भरने पड़े। बहुत इजी जो है इसका यूज़र इंटरफेस भी है, जिसमें डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ मुझे इजीली समझ में आ गया कि क्या ऑप्शंस हैं, उसको कैसे यूज़ करना है। और सीधा डाउनलोड बटन पे क्लिक करके मैंने वो फाइल भी जो है डाउनलोड कर लिया अपने कंप्यूटर में। तो इस तरह से जो है आप भी इस वेबसाइट को यूज़ कीजिए, अपने डिटेल्स भर के इसके हेल्प से आप रेज्यूमे अपना अच्छा सा क्रिएट कीजिए, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी सी जॉब मिले। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।